तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जो 221 बार प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे जो डिजाइन रहते हैं, जो इनका जो वर्किंग प्रेशर रहता है वो 221 बार से ज्यादा रहता है, जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा 660 मेगावाट यूनिट के लिए जो डिजाइन प्रेशर है वो है 245 बार। ठीक है, और जो इसका जो टेम्परेचर रहता है 221 बार पे, जो हमारा जो वाटर का क्रिटिकल पॉइंट रहता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा जो टेम्परेचर रहता है, जो उसको जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है या जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो रहता है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में, इसको हम देखते हैं टीएस डायग्राम से, वाटर का जो टेम्परेचर एंट्रोपी जो डायग्राम है उसको देखते हैं हम। ये जो डायग्राम है ये है टीएस डायग्राम फॉर वाटर टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम है। तो इसके अंदर हमारे पास में तीन रीजन बन रहे हैं। ये हमारा जो सेचुरेशन लाइन है, इस सेचुरेशन लाइन है ये हमारे पास तीन जोन बना रही है। जो पहला जोन है वो है लिक्विड जोन, सेकेंड जोन है वो लिक्विड प्लस वेपर जोन है, और तीसरा जोन है जो जो प्योर वेपर या सुपर हीटेड स्टीम का जोन है। ठीक है, तो ये जोन कौन डिसाइड करता है? ये जोन डिसाइड करता है टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये यहाँ पर हमारा जो इस डोम के जो ऊपर ऊपर जो पॉइंट है, सबसे ऊपर पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और इसका जो पैरामीटर्स रहते हैं वो है 221 बार प्रेशर और 373 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है उसका जो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा वो 221 बार से ज्यादा प्रेशर रहेगा, और जो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 373 डिग्री से। ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अगर इसके बाद भी हम प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे तब भी हमारा जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो नहीं बदलेगा, वो 373 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो इससे इस टेम्परेचर और प्रेशर से अबोव जो हमारा रैंकाइन साइकिल जो काम करता है, इस प्रेशर और टेम्परेचर से अबोव जो काम करेगा उसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, अब हम जो हमारा देख लेते हैं कि सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉयलर के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर ये हमारा कोई टीएस डायग्राम है तो इस पे क्या है, अगर हम सब क्रिटिकल बॉयलर के लिए बना रहे हैं ठीक है, और सब क्रिटिकल बॉयलर, तो यहां क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा सीटी है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा, जो हमारे पास में हमारा जो रेनकाइन साइकिल बनेगा उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये टीएस डायग्राम है रेनकाइन साइकिल के लिए। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे होटवेल के अंदर वाटर अवेलेबल रहता है, उस वाटर को हम पंप करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको हम इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर में भेजते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ये बॉयलर के अंदर हीट गेन करके या फिर ये सुपर हीटर में चला जाता है, फिर ये एचपी टरबाइन में काम करता है, उसके बाद में यहाँ ये एलपी टरबाइन में चला जाता है, और अगेन ये यहाँ आ जाता है और ये हमारा सब क्रिटिकल जो बॉयलर होता है वो काम करता है। ठीक है, तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर कैसे काम करता है,